चतुर्वेदी सामने बैठे हुए मेरे जमींदार किसान भाइयों, मैं सभी को बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में अपने परिवार के लोगों को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। साथियों, तमाम जगह तमाम राजनीतिक मंचों पर तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसान एक ऐसा प्राणी है जिसे लोग अपने लिए प्रयोग करते हैं, और आज किसान अपने परिवार के लिए इकट्ठा हुआ है, ये प्रसन्नता की बात है। आज हम लोग अपने परिवार के लिए अपने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने नेता के सामने बैठे हैं, बाकी तो हम तमाम स्वार्थी नेताओं के पीछे पीछे भागते रहते हैं, उनकी जय जयकार करते रहते हैं। साथियों, सभी को मालूम है कि किसान ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाता है, किसान ही पूरे देश की विकास की जड़ है, और किसान ही सबसे ज्यादा खड़ा जाता है, छड़ा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी नेता जो भी आएगा आपके पास, जो भी नेता आएगा केवल स्वार्थ के लिए आएगा, लेकिन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवन ठाकुर आपके पास किसी स्वार्थ को लेकर नहीं आए हैं, केवल आपकी समस्याओं को समाधान कराने का बीड़ा उठा रखा है इन्होंने। साथियों, जहां भी मैं जाता हूं, देखता हूं जब बड़ी संख्या में किसान एकत्र होते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं देख रहा हूं कि कन्नौज जिले का किसान जागृत हो रहा है, और वो भी किसान यूनियन किसान के विरुद्ध में। हमारा जिलाध्यक्ष, जब भी आप बुलाएंगे, हमारा जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला हमें लगा है 2400 घंटे किसानों के लिए तैयार रहता है। तो साथियों, ऐसे जिलाध्यक्ष के साथ जुड़िए, ऐसे संगठन के साथ जुड़िए जो आपका भला कर सके। बाकी मैं आप लोगों का फिर बार बार धन्यवाद करना चाहूंगा, और विनोद चतुर्वेदी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उन्हें मैं बार बार धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के हित के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतने लोगों को इकट्ठा किया। विनोद चतुर्वेदी को बार बार धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।